बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों के बीच शहर में एक और ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत सामने आए इस मामले में लगभग 1,81,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक दिलीप साकर ने दी। बढ़ते तकनीकीकरण के साथ ही उससे जुड़े अपराधों के मामले भी शहर में सामने आ रहे हैं। एक ओर जहां लोग चीजें ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उससे जुड़े अपराधों में भी इजाफा होता देखा जा रहा है। अब ऐसा ही एक मामला सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 23 तारीख को फरियादी अनिरुद्ध मैते ये मेडिकल स्टोर में दवाई लेने गए थे, जिस दौरान जो दवाई चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने ऑनलाइन दवा सर्च की, जिस दौरान अज्ञात आरोपी ने फरियादी के मोबाइल पर फोन कर दवा होम डिलीवरी करने का आश्वासन दिया। इस वक्त आरोपी ने फरियादी को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कहा। फरियादी ने आरोपी को अपना कार्ड और ओटीपी नंबर बताया और आरोपी ने फरियादी के खाते से 1,81,000 रुपए निकाले। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक दिलीप साकर ने अधिक जानकारी साझा की। 3 दिन पहले यहाँ के पुलिस स्टेशन में के जुरिडिक्शन में रहने वाले है अनिरुद्ध माइंदे, उनको कुछ इलाज के लिए मेडिसिन चाहिए थी, तो मेडिसिन के लिए उन्होंने बहुत सारे दुकान के ऊपर चले गए, लेकिन उनको मेडिसिन मिली नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने ऑनलाइन उसका मेडिसिन का सर्च किया, तो एक साइट के ऊपर उनको ऑनलाइन में दिख गई, तो उन्होंने वहाँ से कॉल किया उन नंबर पर, तो उनको वहाँ से रिस्पांस मिला कि आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, इसका रेट इतना है, ऐसा रेट बता के उन्होंने उनको बैंक डिटेल और OTP उन्होंने शेयर कर दिया, और उसके बाद में उनके बैंक अकाउंट से 1,80,000 रुपये कट गए। तो थोड़ा उनकी लापरवाही की वजह से थोड़ा सा तकरारदार के पैसा कट गया, हालांकि उन्होंने बहुत बार बोल चुके हैं कि कोई भी अपना बैंक का डिटेल्स या OTP अपने शेयर नहीं करना है, तो उन्होंने शेयर कर दिया और उनके अकाउंट से कुछ फ्रॉड जो नंबर्स है या जो साइबर से एक्ट के तहत गुने करने वाले जो एक्यूज होते हैं, तो उन्होंने ऐसा उनके अकाउंट से पैसा उनका कट गया। इसलिए पुलिस स्टेशन में जो मोबाइल नंबर जिस पर उन्होंने कॉल किया था उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया है, और साइबर एक्ट और IPC 420 की तरफ कार्रवाई गुना दाफेंस रजिस्टर हुआ है और आगे तफ्तीश चालू है, आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया और इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।